आज हम सिखा रहे हैं कि डोम किस प्रकार बनाएं। सबसे पहले एक डोम की बॉडी लें, उसे खोलें। खोलने के बाद में उसमें शीशा फिट करें। उसके पश्चात जो 5 पिन की तार है उसे पीछे वाली डोम की बॉडी में अंदर डालें तथा टाइट को लॉक करके उसे टाइट कर दें। जो फालतू टाई है उसे काट दें और उसे आराम से रहने दें। 5 पिन की तार में 5 तारों में दो तार बड़ी हैं और 3 तार छोटी हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि इसे ऊपर करके दिखाएं जरा सही से। 3 तार इसमें छोटी हैं और 2 तार इसमें बड़ी हैं। जो ये 3 तार हैं वो पीसीबी के लिए 3 पिन के कनेक्टर के लिए यूज आती हैं, और जो ये 2 पिन की तार हैं वो आईआर के लिए यूज में आती हैं। जो 3 पिन की छोटी तारें हैं, जो इसमें ब्लैक वाली तार है, काली वाली तार, उसे बीच में लगाते हैं इस प्रकार। जो लाल वाली और पीली वाली तार है उसे पीसीबी में देख के, चिप में देख के कि प्लस किस तरफ है, माइनस किस तरफ है और वीडियो किस तरफ है, वो देख के उस तरीके से लगाते हैं। जैसे इस पीसीबी में दर्शाया गया है कि जो 12 वोल्ट है वो ऊपर की तरफ है और जो वीडियो है वो नीचे की तरफ है। इसी प्रकार आप 12 वोल्ट में लाल वाली तार तथा वीडियो में पीले वाली तार लगा देंगे। ये कनेक्शन इस प्रकार से हो गया। इस कनेक्शन को हटा के रख देंगे। अब डोम के लिए दूसरी प्रक्रिया होगी। अब इसके आईआर का कनेक्शन देखेंगे। आईआर के कनेक्शन में देखेंगे कि 12 वोल्ट कहाँ पे लिखा है। जैसे इसमें 12 वोल्ट उल्टे हाथ की तरफ और ग्राउंड सीधे हाथ की तरफ है। बारह वोल्ट में लाल तार लगाएंगे तथा ग्राउंड में काली तार लगाएंगे। इस प्रकार से यह तैयार हो जाएगा। उसके पश्चात डोम में लगने वाली सामग्री, 2 1 नंबर के पिलर, एक नंबर के 2 पिलर छोटे वाले, 12 नंबर के 2 पिलर बड़े वाले, 2 ब्लैक स्क्रू जो पीसीबी को कनेक्ट करने के काम आते हैं, जो पीसीबी में कैचर जिस तरह से लगाते हैं, इस प्रकार से पीसीबी में कैचर को कनेक्ट करके 2 स्क्रू
लगा दिए जाते हैं। और आईआर कट का वायर जो कि आईआर कट में से आ रहा है उसे लगा दिया जाता है, और दूसरे सिरे का वायर आईआर में लगा दिया जाता है। इस प्रकार से यह दोनों कनेक्शन तैयार हो जाते हैं। एक प्रकार रुकिए, ये देखिए, एक जो पतले वाला तार है उसे एक हिस्सा पीसीबी में और दूसरा हिस्सा आईआर कट में लगा दिया जाता है। उसके पश्चात एक नंबर के पिलर को लेकर हम गरम करके और डोम में ऊपर की साइड में लगा देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं, उसे भी पुनः गर्म करते हैं और उसी के विपरीत दिशा में लगा देते हैं। इस प्रकार से पहली प्रक्रिया खत्म होती है। हम पीसीबी का कनेक्शन करने के बाद में पीसीबी को नीचे की तरफ लगा देते हैं तथा उसके पश्चात हम 12 नंबर का स्पेसर लेकर पीसीबी को, दिखाने का कष्ट करिए, पीसीबी को ऊपर की साइड में लगा देते हैं। प्रकार से दिखाइए पीसीबी में, ये देखिए जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आईआर लगाते हैं। उसके पश्चात हम आईआर पे ऊपर दो ब्लैक स्क्रू लगाकर आईआर को पिलर्स के ऊपर रोक देते हैं। दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से कसते हैं। उसके पश्चात हम इस रिंग को, जिसे हम लेंस रिंग भी बोलते हैं, इसे लगा देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो आईआर की रोशनी है वो लेंस पे ना आए और नाइट में जो फॉग आ जाती है वो ना आए। इसी प्रकार इसका कवर लगा देते हैं। ये कवर लगा के और इसको इस तरीके से बनाते हैं और इस प्रकार से आपका डोम कैमरा तैयार हो जाता है। ये आपका एक डोम कैमरा तैयार हो गया।